सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल अमनदीप गिल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नॉइस कंपनी की, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सो दोस्तों, अगर हम रिसेंटली इसके प्रोडक्ट की बात करें तो मार्केट में लॉन्च हुई है न्यू कलरफिट प्रो 2 स्मार्ट वॉच। सो दोस्तों, ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है, लोग कह रहे हैं कि ये सेम टू सेम एप्पल की तरह है। आज की वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग एंड देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं अमनदीप गिल, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये हमारी नॉइस कंपनी की कलर फिट प्रो 2 स्मार्ट वॉच, जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। जी हाँ दोस्तों, करते हैं आज हम इसकी अनबॉक्सिंग एंड इसे हमने परचेस किया है अमेजोन से। ये दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा, बट फिलहाल अमेजोन से हमने इसे ऑर्डर किया है। सो दोस्तों, करते हैं हम रैप को ओपन। यहाँ सबसे पहले मिल जाता है हमें एक बॉक्स एंड यहाँ पर हमें मिल जाती है इसकी इनवॉइस कॉपी। सो इनवॉइस कॉपी के ऊपर अगर दोस्तों हम प्राइस की बात करें तो यहाँ लिखा है 2999। ये डिपेंड करता है दोस्तों प्राइस रेंज के ऊपर कौन सा ऑफर आप अप्लाई कर रहे हो, और एल्स अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो आपको 3499 में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं रैप को ओपन। यहाँ फ्रंट की ओर लिखा है नॉइस एंड आपको फ्रंट की और यहाँ नॉइस की वॉच देखने को मिल रही है। फिलहाल हम फटाफट इस सील को कर लेते हैं ब्रेक एंड देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या कंटेंट्स देखने को मिल जाते हैं। कलर्स की बात करें तो दोस्तों इसमें हमें 3 कलर्स मिल जाते हैं, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे। फिलहाल हमने जो ऑर्डर किया है वो है ब्लैक कलर में। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 1.3 इंच की IPS टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है। वेट की बात करें तो 35 ग्राम सबके स्मार्ट वॉच का वेट होगा। बाकी दोस्तों, इसमें आपको IP68 भी सपोर्ट है, बड़ी आसानी से इसे पानी में यूज कर सकते हो विदाउट एनी लैग। बड़ी आसानी से आपकी वॉच पानी में भी वर्क करेगी। बाकी दोस्तों, जो इसका स्ट्रैप है वो है रबर में, ब्लैक कलर का स्ट्रैप आपको मिल जाता है। बड़ी आसानी से आप बटन प्रेस करके अपने वॉच में ये स्ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हो। सो दोस्तों, पीछे जो आपको ग्लास दिया गया है वहाँ पे आप अपने वॉच को चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग की भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ आपको एक बटन मिल जाता है, हम सबसे पहले हम इस स्ट्रैप को कर लेते हैं इंस्टॉल। आप देख सकते हो मैं सिंपल एक बटन प्रेस करूंगा एंड बड़ी आसानी से हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। दोस्तों यहाँ हमने हमारे स्ट्रैप को कर लिया है इंस्टॉल। बात करते हैं हमारे बॉक्स कंटेंट्स की। सबसे पहले यहाँ हमें मिल जाती है एक चार्जिंग केबल, नीचे हमें बॉक्स मिल जाता है एक नॉइस की ओर से, जिसमें हमें मिलते हैं कुछ यूज़र मैनुअल्स एंड कुछ यूज़र गाइड्स, जिसमें लिखा गया है कि आप अपनी वॉच को कैसे सेटअप कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों इसे हम रखते हैं साइड में। बात करते हैं बाकी के कंटेंट्स, इसे हमें कर लेंगे बाद में रीड। बात करते हैं नीचे वारंटी कार्ड की, जो कि हमें मिल जाता है नॉइस की ओर से, जिसमें हमें 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। तो दोस्तों ये वारंटी भी तभी यूज़ होगी जब भी आप इसे रजिस्टर करोगे। रजिस्टर बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। एंड याद रखना, अगर आप नॉइस का कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो इसको ऑनलाइन रजिस्टर जरूर कर दें। बॉक्स को रखते हैं साइड में एंड कर लेते हैं हमारे स्मार्ट वॉच को बूट एंड देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ सेटिंग्स में। सेटिंग्स पर क्लिक करके जाते हैं डायल में। डायल में दोस्तों आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डायल मिल जाते हैं। बड़ी आसानी से कोई भी अपना मनपसंद डायल को सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। एंड ये जो आपको राइट साइड में जो बटन मिल रहा है उससे आप बड़ी आसानी से अपने स्मार्ट वॉच को ऑपरेट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों, आप इसे ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके पूरी हिस्ट्री अपने एप्लीकेशन में भी चेक कर सकते हो। जाते हैं इसके सेटिंग्स में। यहाँ आपको ब्राइटनेस कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आपको शटडाउन का बटन मिल जाता है, जिसे आप बड़ी आसानी से रिस्टार्ट कर सकते हो एंड शटडाउन भी कर सकते हैं। तो बाकी के फीचर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ हमें स्टॉप वॉच का ऑप्शन मिल रहा है, साथ ही साथ हमें म्यूजिक का भी ऑप्शन मिलता है। एंड साथ ही साथ दोस्तों यहाँ हमें स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, जिससे आप रन, वॉक, बाइक, हर एक चीज़ को मॉनिटर कर सकते हो। इसी के साथ आपको हार्ट रेट का भी मॉनिटर ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल दोस्तों हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आते हैं हम बैक देखते हैं बाकी के फीचर्स को। यहाँ आपको रिलैक्स का ऑप्शन मिल रहा है, साथ ही साथ आपको अलार्म का भी सपोर्ट मिल रहा है। एंड दोस्तों अगर हम इसके बटन्स की बात करें, अगर आप जाते हो लेफ्ट साइड में, आपको यहाँ मिल जाता है स्टेटस बार। टॉप साइड में यहाँ हमें मिल जाता है नोटिस बार। एंड राइट साइड में हमें यहाँ मिल जाती है फंक्शन लिस्ट। सो दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, फिलहाल हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, डिटेल में हम इसके ऊपर एक और एक वीडियो बनाएंगे। बात करते हैं अगर हम इसके चार्जिंग की, तो दोस्तों आपको 1 to 1.30 यानी कि 90 मिनट्स लगेगी इसे चार्ज होने में। एंड एट लास्ट आप 10 से 15 दिन इसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। बाकी दोस्तों, अगर आप इस वॉच को परचेस करना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर इसे परचेस कर सकते हो। सो दोस्तों, मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।